अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, लास्ट डे वी हैव फिनिश्ड आवर नॉवेल द रेड हेडेड मेंस क्लब एंड टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट इट्स समरी दैट इज गिवन इन योर इंग्लिश ए वर्कशीट. हैव यू गॉट द पेज? पेज नंबर 105 बेटा, पेज 105 ऑफ योर वर्कशीट्स. ऑल ऑफ यू मस्ट स्टॉप योर वीडियोस. यस, दिस इज द समरी ऑफ द रेड हेडेड मेंस क्लब. यू हैव टू लर्न दिस समरी एंड ऑल्सो यू हैव टू राइट इट. राइट द समरी इन लूज शीट बिकॉज इट you have to deposit your homework in school and this summary is included in that and you also have to learn it. Okay students, the red headed men's club, we have read the story and you know all about this. The red headed men's club is a detective story by Sir Arthur Conan Doyle. Ye story सर आर्थर कॉनन डॉयल ने लिखी है. इट्स अ डिटेक्टिव स्टोरी. बट टाइप ऑफ स्टोरी इट इज, इट्स अ डिटेक्टिव स्टोरी. जब भी हम किसी स्टोरी की मतलब किसी भी नॉवेल को डिस्क्राइब करते हैं, उसको समराइज करते हैं, तो पहले हमें उस नॉवेल का नाम, उसके ऑथर का नाम और ये भी डिस्क्राइब करना है कि व्हाट टाइप ऑफ स्टोरी इट इज. इट्स अ डिटेक्टिव स्टोरी. द स्टोरी इज अबाउट अ सर्टन हैपनिंग with Mr. Wilson, who used to sell and buy old clocks in a small shop. Story किसके बारे में है? This is about a certain happening, एक certain वाक्य के बारे में है. Certain happening, certain वाक्य, एक खास वाक्य. बेटा, note down the meanings in your worksheets as well, so that it would be easy to learn for you. The story is about a certain happening with Mr. Wilson, who used to sell and buy old clocks in a small shop. ये story Mr. Wilson के बारे में है, जिसकी एक small shop है, एक छोटी सी दुकान थी, who used to sell and buy old clocks, जिसमें वो पुराने clocks को की खरीदो फरोख्त का काम करते थे. ठीक है, अपनी एक छोटी सी शॉप में वो ओल्ड क्लॉक्स की खरीदो फरोख्त का काम करते थे, यही उनका बिजनेस था. विल्सन केम टू मिस्टर शर्लक होम्स एंड टोल्ड दैट ही वाज गिवन एन इजी जॉब फॉर फ्यू आवर्स इन रेड हेडेड मेंस क्लब फॉर £4 अ वीक. अब स्टोरी कहाँ से स्टार्ट होती है? इन द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी वी सी दैट विल्सन केम टू शर्लक होम्स and told that he was given an easy job. कि उसे एक easy job मिली थी. कहाँ मिली थी? He was given an easy job in red-headed men's club for few hours. सिर्फ चंद घंटों की job थी और उसका मुआवजा उन times के हिसाब से काफी बड़ा था, यानी £4 a week. बट आफ्टर 8 weeks, अब उसका प्रॉब्लम क्या था कि 8 weeks गुजर गए थे बड़े अच्छे तरीके से, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई और उसे बहुत आराम से बगैर किसी स्पेशल काम के, बगैर किसी हार्डवर्क के, उसको उसकी पेमेंट मिल रही थी. लेकिन आफ्टर 8 weeks व्हेन ही वेंट टू हिज ऑफिस, जब वो अपने ऑफिस गए, what happened that morning, the office was closed. Office band tha and there was no information about that. Aur is bare mein koi information nahi thi ki office kyun band hua hai, kahan shift hua hai. Sirf kya wahan pe usko information mili ke us office, wo office band tha, door locked tha aur uske bahar ek slip
लगी थी. द रेड हेडेड क्लब्स ऑफिस इज क्लोज, द रेड हेडेड मेंस क्लब इज क्लोज. और वो स्लिप वो उतार के ले आया था अपने साथ और वो शर्लक होम्स को दिखाई. और इसके अलावा उसने बताया कि वहां पे जितने लोगों से, आसपास के लोगों से, ऑफिसर्स से पूछा, nobody knew about that club or its any other member. That seemed strange to him. So he came to Sherlock Holmes, a detective. अब ये बात, ये चीज उसको अजीब लगी कि एक क्लब जो कुछ अर्सा पहले शुरू हुआ है और उसको इतनी अच्छी जॉब ऑफर की है और अब अचानक से वो क्लब बंद हो गया, गायब हो गया. Why it is so? और वो प्रॉब्लम लेके वो किसी, इसका सुराग लगाने के लिए कि इसमें क्या मामला है, क्या राज है. He wanted to know about that. और उसके लिए वो पुलिस में नहीं गया बल्कि वो एक डिटेक्टिव के पास आया, एक प्राइवेट डिटेक्टिव शर्लक होम्स. होम्स स्टडीड डिफरेंट फैक्टर्स केयरफुली. होम्स ने मुख्तलिफ हकाइक का, मुख्तलिफ फैक्टर्स का carefully जायजा लिया. He found out, उसे पता चला that, अब जब उसने जायजा लिया, उनको स्टडी किया डिफरेंट फैक्टर्स को, तो उसको क्या पता चला. He found out, he came to know that Wilson House was located right at the back of Suburban Bank of London. अब उसे सारे फैक्टर्स को स्टडी करने के बाद पता चला कि विल्सन का घर Suburban Bank of London की बैक साइड पे वाके था. लोकेटेड मीन वाके था, राइट बिल्कुल एट द बिग बैक ऑफ सुबर्बन बैंक ऑफ लंदन. लंदन के सुबर्बन बैंक, जो एक बड़ा बैंक था, सिटी एंड सुबर्बन बैंक, उसकी बैक साइड पे विल्सन का घर था. हिज न्यूली अपॉइंटेड सर्वेंट, उसका न्यूली अपॉइंटेड, नया नया, यानी नया नया अपॉइंट किया हुआ, नया नया रखा हुआ मुलाजिम ने, had told him, उसके नए रखे हुए मुलाजिम ने उसे बताया था about the job, उस जॉब के बारे में, यानी इस क्लब और उस क्लब की जॉब के बारे में उसे उसके न्यूली अपॉइंटेड सर्वेंट ने बताया था, जिसे उसने 3 माह पहले ही अपॉइंट किया था. Who was working hard with only half pay, और वो सर्वेंट उसके लिए काम कर रहा था विद ओनली हाफ पे, सिर्फ हाफ पे पर, बड़ी मेहनत से उसका काम करता था, यानी दो लोगों का काम वो अकेला करता था और पेमेंट बहुत कम, सिर्फ हाफ पे के साथ वो उसका काम कर रहा था. एंड हु वाज दैट सर्वेंट? यस, इट वाज विंसेंट स्पॉल्डिंग. विंसेंट स्पॉल्डिंग वाज द पर्सन हु वाज वर्किंग देयर with half pay and he had told him about the job. Holmes thought that Wilson was offered the job just to keep him away from the house. Aur Holmes ne socha, yani Holmes ko yahi samajh mein aaya ki Wilson ko ye job 4 hours ki offer ki gayi thi just to keep him away from the house, use uske ghar se dur rakhne ke liye. यही बात थी ना जो होम्स को समझ आई थी कि इस घर में कोई, मतलब एक आम सा घर है, इसमें किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं. इंटरेस्ट था, जो इम्पोर्टेंट था उस घर में, उसमें कोई कीमती चीजें नहीं थी उस घर में, उससे क्यों उसको दूर रखा जा सकता था? क्यों? बिकॉज ऑफ इट्स लोकेशन. इम्पोर्टेंट चीज थी उस घर की लोकेशन, बिकॉज इट वॉज लोकेटेड एट द बैक साइड ऑफ अ बैंक. Holmes questioned about Spalding's appearance. Holmes ने कुछ questions किए उसकी appearance के बारे में, Vincent Spalding की appearance. Appearance means ज़ाहरी शक्लो सूरत. उसके ज़ाहरी शक्लो सूरत के बारे में कुछ सवालात किए and confirmed. और confirm किया by the London police, London police say that Spalding was in fact, के Spalding in fact mean in reality, दर हकीकत, दरअसल. That Spalding was in fact a dangerous criminal, एक खतरनाक मुजरिम था, wanted by London police, जो London police की पुलिस को मतलूब था. Wanted mean मतलूब.
It was demanded, it was wanted by the London police because it was a dangerous police. और कई सालों से लंदन की पुलिस उसको अरेस्ट करने में नाकाम थी because he was a very clever person and he was already involved in robbery, dacoity as well as murders. Holmes was quite sure. Holmes को पूरा यकीन था. Quite, बिल्कुल. Sure, यकीन, बिल्कुल यकीन था. Holmes को पूरा यकीन था that Spalding had dug up a hole. कि Spalding ने एक सुराख खोदा है from Wilson's home to the bank lockers. अब उसने कुछ कंफर्म नहीं किया था लेकिन उसको यकीन था कि इसी घर की यही इम्पोर्टेंस है और उसके लिए जो उसने 8 weeks गुजारे हैं उसको 8 weeks के लिए मिस्टर विल्सन को उसके घर से दूर रखा जाता था दिन में 4 hours के लिए वो इसीलिए कि वो उसके घर से बैंक के बेसमेंट तक बैंक के लॉकर्स तक उसने एक होल एक टनल डग अप की थी. होम्स वॉज क्वाइट श्योर दैट स्पॉल्डिंग हैड डग अप अ होल के स्पॉल्डिंग ने एक होल खोद रखा था फ्रॉम विल्सन्स होम विल्सन के घर से टू द बैंक लॉकर्स बैंक के लॉकर तक इन 8 weeks 8 हफ्तों में एंड ही हैड प्लान्ड अ बिग रॉबरी और उसने एक बड़ी रॉबरी बड़ी डकैती प्लान कर ली है एट सैटरडे नाइट इन सुबर्बन बैंक के वो सैटरडे नाइट को सुबर्बन बैंक में एक डकैती करेगा बड़ी डकैती करेगा यानी बैंक के लॉकर से मनी या गोल्ड कुछ उसने चुरा के निकालना था सो दैट के संडे ऑफ है संडे में किसी को पता ना चल सके और वो इजीली अपना सब जो यहाँ से चीजें हैं वो बैंक से सामान निकाल के विल्सन के बेसमेंट रूम में रखेगा और संडे को वहां से गायब कर लेगा और मीनवाइल जब इस रॉबरी का पता कब चलेगा लोगों को मंडे को जब बैंक खुलेगा और उस वक्त तक वो वहां से काफी दूर निकल चुका होगा और ये शर्लक होम्स ने अपने माइंड से आइडिया लिया कि इसी के लिए ये सब कुछ हो रहा है सो होम्स टुक द बैंक मैनेजर एंड पुलिस विद हिम और ये सब कैलकुलेशन करने के बाद होम्स ने किसी से डिस्कस नहीं किया सारी डिटेल को सिर्फ उसने वॉटसन को कहा अपने असिस्टेंट को कि यू मस्ट कम टू मी एट 10 o'clock एट नाइट एंड ऑल्सो ब्रिंग योर गन विद यू बिकॉज वी आर गोइंग टू फेस सम डेंजरस सिचुएशन देन ही called the bank manager and the police and confirmed about that. So Holmes took the bank manager and police with him. और रात को Holmes bank manager और police को अपने साथ लेकर गया और उसने police को भी सिर्फ ये बताया कि Mr. Jones को सिर्फ उसने ये बात बताई थी that he was going to have a very dangerous criminal today. और bank manager से उसने वहां पहुंचने के बाद पूछा था वहां पे गोल्ड फ्रेंच गोल्ड देख के मतलब देखने से पहले उसने वो पूछा वो बॉक्सेस देखने के बाद उसने पूछा कि यहाँ कौन सी इंपॉर्टेंट चीज है जिसके लिए कोई रॉबरी प्लान कर सकता है और उस वक्त बैंक मैनेजर ने बताया कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज इस वक्त बैंक में फ्रेंच गोल्ड है वो बॉक्सेस थे जिनमें फ्रेंच गोल्ड था और वो बैंक में 3 months पहले बैंक को रिसीव हुआ था और वो इसको जल्द ही यहाँ से शिफ्ट करने के बारे में किसी सेफ जगह पे शिफ्ट करने के बारे में सोच रहे थे और आप देखें वेरी क्लियरली कि 3 months पहले ही मिस्टर विल्सन ने अपॉइंट किया था स्पॉल्डिंग को अपने घर और उसने ये प्लानिंग की Now, so Holmes took the bank manager and police with him. अब Holmes इसलिए Holmes bank manager और पुलिस को अपने साथ लेकर आया and entered the bank basement और बैंक की बेसमेंट में दाखिल हुआ बेसमेंट तहखाना जो ग्राउंड से नीचे वाला फ्लोर जो सेफ साइड थी उनकी थ्रू अ स्मॉल साइड डोर एट सैटरडे नाइट
सैटरडे नाइट को वो एक स्मॉल साइड डोर, एक छोटे से साइड डोर से के जरिए, मेन एंट्रेंस से नहीं बल्कि वो साइड डोर से बैंक में एंटर हुए ताकि किसी को पता ना चले। दे वेटेड देयर, और वहां वेट करते रहे अंटिल स्पॉल्डिंग अलोंग विद हिज फ्रेंड, जब तक के स्पॉल्डिंग अपने दोस्त के साथ एंटर्ड देयर, वहां एंटर हुआ थ्रू द होल, उस फर्श में सुराख के जरिए। दे अरेस्टेड स्पॉल्डिंग विद हिज फ्रेंड, उन्होंने स्पॉल्डिंग और उसके दोस्त को अरेस्ट कर लिया, हु वर गोइंग टू रॉब द लार्ज अमाउंट ऑफ फ्रेंच गोल्ड, जो फ्रेंच गोल्ड की बड़ी अमाउंट को लूटने वाले थे फ्रॉम द बैंक, बैंक से। दस बाय वर्किंग ऑन द फैक्ट्स, इस तरह फैक्ट्स पर काम करने से या फैक्ट्स के बारे में कैलकुलेट करने से, होम्स हैड स्टॉप्ड द बिगेस्ट रॉबरी इन इंग्लैंड। होम्स ने इंग्लैंड की तारीख की बड़ी रॉबरी को रोक लिया था, इंग्लैंड की बड़ी रॉबरी, इंग्लैंड को एक बड़ी रॉबरी से बचा लिया था। लंदन पुलिस एंड द बैंक मैनेजर वर थैंकफुल टू हिम, लंदन की पुलिस और बैंक मैनेजर मिस्टर मैरीवेदर, दे वर ऑल थैंकफुल टू शर्लक होम्स बिकॉज ही हैड सेव्ड देम, उनको बचा लिया था फ्रॉम द रॉबरी। और पुलिस इसलिए भी थैंकफुल थी बिकॉज जॉन क्ले, विंसेंट स्पॉल्डिंग, हु वाज इन फैक्ट अ डेंजरस क्रिमिनल, जॉन क्ले वाज वांटेड बाय द लंदन पुलिस इन मेनी केसेस। नाउ द स्टोरी इज एंडेड, यू हैव टू लर्न द समरी एंड रेस्ट ऑफ द वर्क वी विल डू इन आवर लास्ट पीरियड। Nobody should be absent in the last period, beta.